कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का सोशल साइंस के क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा की दूसरी हेडिंग है। कल आप लोग को खाद्य सुरक्षा का अर्थ बताए थे, आज हम बताएंगे खाद्य सुरक्षा क्या है। तो जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु, लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं, जैसे खाद्य की उपलब्धता, फिर खाद्य की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता। ये तमाम ऐसे कारक हैं जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखेंगे जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 समय मात्र 2 समय की रोटी पाना नहीं है, बल्कि खाद्य उपलब्धता, खाद्य उपलब्धता खाद्य की पहुंच, खाद्य की पहुंच अनाज भंडारण तथा पौष्टिक भोजन के साथ साथ खाद्य वितरण वितरण में समस्या
खाद्य वितरण में समस्या न हो आदि को प्रभावित करता है, आदि को प्रभावित करता है और उसके द्वारा स्वयं प्रभावित होता है। स्वयं प्रभावित होता है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ सुरक्षा में अमर्त्य सेन ने नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद तक पहुंच पर जोड़ दिया, जो विनिमय बाजार या उत्पादन से संबंधित होता है। नया आयाम जोड़ दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे को फिर से आपको बताया जाएगा।